Okay, dear children, so we'll start with our topic, which is tens and ones. So let us start. Today we will learn about tens and ones. We have studied it in class 1 as well. Now we are going to learn further. But now you can see that there are smileys, okay? So we have to count these in tens and ones. Hame inhe tens aur ones mein count karna hai. We have to count it, okay? So, class 1 mein bhi humne kiya hai. To yahan aap mujhe thoda sa help karenge. Bahut sari smileys hain. To ye dekhiye, ye 1, 2, 3, 4, 5, then 6, then 7, 8, 9 एंड 10. तो ये 10 आपको याद होगा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि उसको एक ग्रुप कर देते हैं. तो ये एक जो 10 ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप होता है, बंडल होता है, उसको हम 1 10 मानते हैं, ठीक है. और हम ये जो लूज वंस हैं इसको वंस बोलते हैं. तो वंस को काउंट करेंगे तो 1 2 3 एंड 4. तो वंस कितने हैं? 4. तो टोटल नंबर कितना हुआ? टेंस में आपने लिखा 1 और वंस में आपने लिखा 4. सो व्हाट विल बी द नंबर? 14. ओके, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं. नेक्स्ट ये आप देखेंगे, वाओ टेस्टी, दीज आर डोनट्स. सो लेट अस काउंट द डोनट्स. डोनट्स को काउंट करते हैं हम. डोनट्स काउंट करते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. तो यहां पे हमने ये 10 डोनट्स काउंट किए. ओके, तो ये हमने 10 का एक ग्रुप बना लिया. तो ये कितना हुआ? 1 10 हो गया. और लूज यानी ग्रुप से बाहर कितने हैं? लूज 2 हैं. तो ये 2 वंस हो गए. तो हम अगर इसको टेंस एंड वंस में लिखेंगे, नंबर क्या बनेगा? टेंस में कितने टेंस हैं? 1 10 and 2 1s. तो नंबर हमारा बन गया 12. ओके बेटा, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. चलो अब बहुत सारी पेंसिल्स हैं, चलो काउंट करते हैं इसको. क्विकली वी विल काउंट. ये देखो बेटा, मैंने ये काउंट किए हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. तो यहाँ 10 का एक ग्रुप बना लिया मैंने, ठीक है. तो ये एक टेंस हो गया. इसी तरह सिमिलरली जब हमने नेक्स्ट काउंट की तो ये भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी 10 हुई. तो ये 2 टेंस हो गए मिला के, ठीक है. अब यहां काउंट किया तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हैं. तो हम इसका ग्रुप नहीं बना सकते बेटा. टेंस कितने हो गए? 1 and 1 2. और यहां हमने कितने काउंट की थी? 8. सो नंबर क्या हो गया बेटा? नंबर हो गया 28. 28 नंबर हो गया. ओके बेटा, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. ये देखो आइसक्रीम्स. आइसक्रीम्स आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. तो ये 10 आइसक्रीम्स पर मैंने एक ग्रुप बना दिया. 1 10 हो गया. अब नेक्स्ट पे चलते हैं. 1 2 3 4 5, ये 5 हो गई. तो नंबर क्या हो गया? 1 10 and 5 1s 15. तो नंबर विल बी 15. नेक्स्ट वन, ये चाय के कप है, इसको काउंट करते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. तो ये तो सारे के सारे टेंस हैं. अब क्या करें? तो कोई बात नहीं, लूज नहीं है ना. तो जहां नथिंग मीन्स जीरो, जीरो मीन्स नथिंग, नथिंग मीन्स जीरो. तो कुछ नहीं है तो हमने जीरो लगा दिया, है ना बेटा. तो नंबर क्या बना? 10. नंबर क्या बना? 10. इतना बेटा आपको समझ में आया? आई होप यहां तक आपको वंस टेंस में आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. चलिए हम आपकी वर्कशीट पे चलते हैं. सो ओके बेटा, सो दिस इज योर वर्कशीट फॉर टुडे. ये वर्कशीट हमें करनी है. ध्यान रखना बेटा, इसमें आप गलती नहीं करना.
किसी किसी क्वेश्चन में टेंस पूछे हैं सिर्फ, किसी में वंस पूछे हैं, तो सब में सिर्फ वंस या टेंस या दोनों नहीं लिखने, जिस क्वेश्चन में जो चीज पूछी है उतना ही लिखना है। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 1 में देखोगे, यहाँ पूछा है हाउ मेनी वंस डज द पिक्चर शो। अब ये फर्स्ट में देखिए, ओनली वंस हैव बीन आस्क्ड, नॉट टेंस, तो आप वंस ही लिखोगे, टेंस नहीं लिखोगे। तो वंस मतलब लूज, तो ये लूज वाले काउंट करने बेटा, ये काउंट नहीं करना है क्योंकि क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है। पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। ओके तो हम वंस काउंट करते हैं, 1, 2, 3 एंड 4। तो कितने वंस है बेटा? 4 वंस है, तो हम लिखेंगे 4 वंस। ठीक है, 4 वंस लिखेंगे हम। इसको थोड़ा सा मैं आपके लिए बड़ा कर देती हूँ। ओके 4 वंस लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टेंस एंड वंस आर देयर। इसमें देखो दोनों चीजें पूछी हैं, तो टेंस कितने हैं, ये ग्रुप कितना है, एक है सिर्फ बेटा। तो हम यहाँ लिखेंगे 1 टेंस, उसके बाद हम प्लस लगा देते हैं, और वंस कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 5 वंस। ठीक है बेटा? बेटा बिल्कुल ध्यान रखना है, ये जो आप टेंस या वंस है वो साथ में लिखें, ऐसा ना हो कि आप टेंस लिख दें वंस ना लिखें, वो पता नहीं लगेगा कि क्या आप बात कर रहे हैं। सो ऑलवेज राइट टेंस वंस, और जब आप यूनिट्स करते हैं तो मीटर, सेंटीमीटर, लीटर, केजी, जो भी होती है वो लिखना होता है साथ। ओके दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ थर्ड क्वेश्चन says how many ones does the picture have, picture show। तो बेटा देखो next में फिर से इन्होंने सिर्फ ones पूछा है, only ones, तो हम tens नहीं count करेंगे। Let us count only ones, तो 1, 2 and 3, तो कितने ones है बेटा? There are only 3 ones। okay 3 ones है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, हाउ मेनी टेंस डज द पिक्चर शो। तो बेटा देखो यहाँ सिर्फ टेंस पूछे हैं, वंस नहीं पूछे हैं, टेंस ओनली। तो टेंस कितने हैं बेटा? ग्रुप सिर्फ 1 है, तो यहाँ 1 10। एक 10 होता तो 10 लिखते हैं बेटा, अगर एक से ज्यादा होता तो एस लगा देते हैं। सिमिलर इज द केस विद 1 एंड 10s। ओके सो यू जस्ट कीप दैट इन माइंड। एक और क्वेश्चन छोटा सा दे देती हूँ मैं आपको, ये देखिए हाउ मेनी टेंस एंड वंस आर देयर। तो देखो यहाँ टेंस और वंस दोनों पूछे हैं। ओके तो यहाँ हम काउंट करेंगे 10।